वेलकम बैक। थर्ड ईयर ई लेक्चर की क्लास, जिसमें आज का भी हमारा टॉपिक कंटिन्यू है, फ्रांस के प्रशासन की विशेषताएं। फ्रांस के कार्मिक प्रशासन संबंधी विशेषताओं में हम देखेंगे कि वहाँ की लोक सेवाओं की प्रभावशीलता, प्रभावी लोक सेवाएं। फ्रांस की जिस तरह से प्रशासन है, उसी तरह से फ्रांस की लोक सेवाएं भी हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ और अनुशासित मानी जाती है। जिस तरह से यहाँ की सरकारें अस्थिर थीं, वैसे ही लोक सेवाओं का प्रभाव एवं महत्व बढ़ता गया। बहुत सारे राजनीतिक उलटफेर हुए, फिर भी प्रशासनिक स्थिरता बनी रही। सरकारी अधिकारियों ने स्वयं को राज्य के साथ एकाकार कर लिया तथा वे अपने आप को संप्रभु मानने लगे। लोक सेवाओं की भर्ती, प्रशिक्षण, सेवा शर्तें निम्न प्रकार हैं। लोक सेवाओं में भर्ती, फ्रांस में लोक सेवा एक आजीवन व्यवसाय है। नियुक्ति के बाद पुनर्नियुक्ति हेतु लोक सेवक इधर उधर नहीं जाते। भर्ती व्यवस्था को यहाँ शिक्षा से जोड़ा गया है। उच्च पदों पर वे ही प्रत्याशी आ सकते हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, किंतु उच्च शिक्षा जनसंख्या के एक छोटे से भाग तक सीमित है। उच्च प्रशासनिक पदों पर एक वर्ग विशेष के लोग ही आते हैं। लोक सेवकों का प्रशिक्षण। भर्ती के बाद कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके लिए नेशनल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है, जहां पर नए आने वाले लोक सेवकों के लिए 3 साल का पाठ्यक्रम है। उच्च प्रशासकीय सेवा के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। शैक्षणिक विशेषीकरण के 4 क्षेत्र हैं: सामान्य प्रशासन, आर्थिक और वित्तीय प्रशासन, सामाजिक प्रशासन तथा विदेशी मामले। औद्योगिक प्रबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षणार्थी को निजी उद्योग में भी रखा जाता है। कंडीशन ऑफ सर्विसेज। लोक सेवकों को सुरक्षा एवं स्तर की पूरी गारंटी है। इनका कार्यकाल आजीवन होता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन पहल पदमुक्त किया जा सकता है, किंतु यह कार्यवाही एक लंबी प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। अनुशासनात्मक कार्यवाही। ट्रिब्यूनल्स में लोक सेवकों के भी प्रतिनिधि लिए जाते हैं। पदोन्नति आदि इन्हीं लोक सेवकों द्वारा नियंत्रित की जाती है। लोक सेवकों को पर्याप्त वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त परिवार भत्ता, सामाजिक सुरक्षा एवं सेवानिवृत्ति पर पेंशन की व्यवस्था भी है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज। फ्रांस में लोक सेवक सरकार के कार्यों में सक्रिय भाग लेते हैं। लोक सेवकों को राजनीतिक कार्यों में भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एक लोकप्रिय लोक सेवक मंत्री भी बन सकता है। व्यक्तिगत रुचि के कारण लोक सेवक सक्रिय राजनीति में कूद जाते हैं और पुनः लोक सेवा में अपने पूर्व पद पर आ सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से हमारे यहाँ है भारत में, यह व्यवस्था है कि अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है और पुनः वो नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जबकि फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता के दौर पे मंत्रिमंडलों का जो शीघ्र पतन हो जाता है, लोक सेवकों को राजनीति में आने की पूरा अवसर दिया जाता है। नियंत्रण की व्यवस्था। 2 तरह का नियंत्रण है, बाह्य नियंत्रण और आंतरिक नियंत्रण। बाह्य नियंत्रण व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा तथा आंतरिक नियंत्रण निर्धारित इकाइयों द्वारा रखा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद यहाँ राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण रहा है, जिससे प्रशासन की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था सशक्त बनी है तथा राजनीति निर्देशन का क्षेत्र सीमित होता है। प्रशासन के बाहरी नियंत्रण का मुख्य अभिकरण व्यवस्थापिका है। यह विधायी नियंत्रण यहाँ पर सदैव कमजोर रहा है। व्यवस्थापिका ने अपनी अनेक शक्तियां कार्यपालिका को हस्तांतरित कर दी और प्रशासन पर नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा। नियंत्रण की शक्तियां व्यवस्थापिका के पास हैं और उनका प्रयोग विधायी समितियों के द्वारा किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण के मुख्य अभिकरण काउंसिल डी ईटाट, जिसे राज्य परिषद भी कहा जाता है, बजट तथा वित्तीय नियंत्रण, सीवी वर्ग संबंधी नियंत्रण, सरकार की विकेंद्रित सेवाओं पर नियंत्रण आदि। यह जनमत एवं राजनीतिक नियंत्रण से स्वतंत्र है। प्रोफेसर डायमंड ने
फ्रांसीसी प्रशासन के नियंत्रण व्यवस्था की बहुत सारी विशेषताओं का उल्लेख किया है। लोक सेवा कार्य संपन्नता को नियंत्रित करने और मापने में संकीर्ण वित्तीय और कानूनी मापदंडों पर जोर दिया जाता है। इन मापदंडों पर लाइन अभिकरण की अपेक्षा स्टाफ अभिकरणों का महत्व बढ़ जाता है। स्टाफ में शक्ति तथा प्रभाव अधिक होने के कारण इसमें श्रेष्ठ लोग ही प्रवेश पाते हैं। उच्चतर सेवाओं के विशिष्ट वर्ग लाइन अभिकरण की उच्च पदों पर भी एकाधिकार रखते हैं। कौंसिल डी इटाट, वित्तीय निरीक्षक तथा ऐसे ही नियंत्रणकारी अंगों ने प्रशासन प्रशासकीय स्व विवेक एवं पहल लेने की शक्ति को कम किया है। नेक्स्ट है स्वच्छ, स्थायी और कुशल प्रशासन। हमने इन विशेषताओं के आधार पर भी जाना कि फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था साफ सुथरी, अनुशासित तथा राष्ट्रहितों के प्रति प्रतिबद्ध है। अमेरिका की भांति लूट प्रणाली का व्यापक प्रचलन फ्रांस में कभी भी नहीं रहा। भ्रष्टाचार, रिश्वत, लापरवाही और अकर्मण्यता के उदाहरण फ्रांसीसी प्रशासन में कम देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी ये एक उदाहरण दिया था कि वहाँ पर ट्रेन में बैठने वालों को चॉकलेट दी जाती है ताकि वो सिगरेट की तलब से बचे रहें। मिशनरी भावना। फ्रांस के लोक सेवक प्रत्येक सरकारी कार्य को केवल ड्यूटी मानकर पूरा नहीं करते बल्कि नागरिक सेवा को अपना ध्येय मानते हैं। एस्प्रिट डी कोप्स की भावना लिए फ्रांसीसी लोक सेवक मानव कल्याण को ईश्वर सेवा के समान स्वीकार करते हैं। वस्तुतः फ्रांस की सरकार एक आदर्श नियोक्ता की भूमिका निभाती है तथा लोक सेवक एक आज्ञाकारी कार्मिक का दायित्व सहर्ष उठाते हैं। सामाजिक एवं मानसिक स्तर पर परिपक्वता प्राप्त फ्रांसीसी नागरिक भी प्रशासनिक कार्यों में पूर्ण सहभागिता प्रकट करना अपना दायित्व मानते हैं। राष्ट्रीय कानूनों में आस्था प्रकट करना सर्वोच्च नैतिकता की निशानी है। यह मान्यता लोक सेवक एवं आम व्यक्ति दोनों ही स्वीकार करते हैं। प्रीफेक्ट व्यवस्था। आधुनिक फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था नेपोलियन बोनापार्ट पार्ट की रेडी है क्योंकि प्रीफेक्ट कोप्स तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान आदि की स्थापना नेपोलियन ने ही की थी। फ्रांस के भौगोलिक आधार पर कुछ रीजन अर्थात प्रादेशिक संभागों में बांटा गया है जिनके पश्चात डिपार्टमेंट्स होते हैं। फ्रांस के डिपार्टमेंट्स भी जापान की तरह भौगोलिक इकाई है जो भारत के जिलों के समान है। इन डिपार्टमेंट्स के अधिकारी प्रीफेक्ट तथा सब प्रीफेक्ट कहलाते हैं। प्रीफेक्ट की स्थिति भारत के जिला कलेक्टर के समान है। नेपोलियन ने शुरू में फ्रांस को 9 डिपार्टमेंट्स में बांटा था जिनकी संख्या अब धीरे धीरे विस्तृत हो गई है। प्रीफेक्ट नामक अधिकारी प्रशासनिक संगठनों एवं जनता व सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन की भूमिका निभाता है। वह सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बहुत सारे प्रशासनिक कार्य करता है। प्रीफेक्ट किसी भी एक विभाग के अधिकारी नहीं बल्कि सभी विभागों का सामान्य अधिकारी होता है। फ्रांस में अलग से प्रीफेक्ट कोप्स बनी हुई है जो सम्मानजनक लोक सेवा मानी जाती है। केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में प्रीफेक्ट की कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक शांति व्यवस्था के अलावा वह अनेक तकनीकी मामलों के संबंध में भी निर्णय करता है तथा तकनीकी अधिकारियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति भी करता है। नेक्स्ट है अर्ध स्वायत्त प्रशासनिक स्थानीय व्यवस्था। एकात्मक तथा केंद्रीकृत फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था में शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाइयां हमेशा से ही केंद्रीय प्रशासन के अधीन रही हैं। फ्रांस में स्थानीय शासन का स्वरूप इतना स्वायत्त नहीं है जितना कि अमेरिका और ब्रिटेन में है, स्विट्जरलैंड में है। फ्रांस में समाजवादी सरकार द्वारा 1982 में जापान प्रशासन का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ जो निरंतर सुधारों की ओर बढ़ रहा है। इस कानून के द्वारा
फ्रांस में स्थानीय प्रशासन की इकाइयों को उनके कार्यक्षेत्र में वैधानिक स्वतंत्रता दी गई। नगर पालिकाएँ, डिपार्टमेंट्स तथा प्रादेशिक संभाग स्थानीय प्रशासन के 3 स्तर हैं। इनमें एरोनटाइमेंट तथा कैंटन तथा कम्यून भी बने हुए हैं। केंद्रीय स्तर पर आंतरिक एवं विकेंद्रीकरण विभाग स्थानीय प्रशासन की इकाइयों को दिशा निर्देश प्रदान करता है। कम्यून में मेयर तथा डिपार्टमेंट्स में प्रीफेक्ट नामक अधिकारी स्थानीय प्रशासन संचालित करते हैं। स्थानीय निकायों में एक परिषद होती है जो निम्न स्तरीय पदों पर भर्ती, प्रशिक्षण एवं पदोन्नति का कार्य करती है। सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और दबाव समूह। फ्रांस की अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से सुदृढ़ और विश्वसनीय मानी जाती है। यद्यपि फ्रांस में बेरोजगारी एक विकराल समस्या बन चुकी है, लेकिन आम फ्रांसीसी का जीवन स्तर अत्यंत उच्च है। फ्रांस के नियोजन तंत्र को निर्देशित करने वाला सामान्य नियोजन आयोग आर्थिक तंत्र में प्रभावी भूमिका निभाता है। फ्रांस में केवल प्रतीकात्मक नियोजन किया जाता है। लोक एवं निजी दोनों ही प्रकार के उपक्रम आयोग के परामर्श को गंभीरता से स्वीकार करते हैं। लोक प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था में विभिन्न दबाव समूहों का, प्रेशर ग्रुप्स का भी पर्याप्त स्थान है। जनवरी 1999 में फ्रांस में भी यूरो मुद्रा प्रचलित की गई, जो यूरोपीय संघ के लिए प्रसिद्ध है, नए समीकरण बनाती है। आर्थिक नियोजन को अपनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, दयनीय आर्थिक स्थिति से कैसे निपटारा करें। युद्ध की क्षतिपूर्ति, अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और समाज में बहुमुखी विकास के उद्देश्य से फ्रांस में आर्थिक नियोजन को अपनाया। वहां आर्थिक नियोजन के संबंध में व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया। अतः वहां सेवा करने वाले वरिष्ठ लोक सेवकों ने फ्रांस के नियोजन के विकास को आसान बना दिया। लोक सेवकों की रुचि के कारण ही कम समय में आर्थिक नियोजन ने सफलता प्राप्त करके अपना सम्मानजनक स्थान बना लिया और आज विश्व की महान शक्ति है। आर्थिक नियोजन इसकी प्रमुख विशेषता है। वहां पर आर्थिक नियोजन की प्रकृति इंडिकेटिव है। नियोजन अर्थव्यवस्था की विभिन्न इकाइयों के समुचित विचार विमर्श पर आधारित है। नियोजन में लचीलापन है और उसका स्वरूप लोकतांत्रिक है। तो ये हमने चर्चा की फ्रांस के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की। थैंक यू टू ऑल।